नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं रेणु चतुर्वेदी। पिछले वीडियो में हमने बताया जनवरी, फरवरी और मार्च में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं, वो जातक किस तरह के होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अप्रैल में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं। जो बच्चे अप्रैल में जन्म लेते हैं उनका कैसा स्वभाव होता है और वो किस टाइप के होते हैं। देखिए, जो अप्रैल में बच्चे जन्म लेते हैं उनका स्वभाव नॉर्मली वो थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। मन को बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं, इमोशनल होते हैं। इमोशनल इस हद तक होते हैं कि आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, आप उन्हें बहुत जल्दी अपनी बातों में ले सकते हैं। देखिए, इसके अलावा उनमें एक और क्वालिटी होती है, जो मार्च अप्रैल में जन्मे बच्चे होते हैं वो बहुत ही अधिक अपने गोल को चेंज करते रहते हैं। यानी कि उनमें एक करियर को लेकर फिक्स पॉइंट जो है वो थोड़ा कम होता है, और अगर जब बाद में सेट हो भी जाते हैं तब भी सेटिस्फेक्शन कम होता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। जो अप्रैल में बच्चे जन्म लेते हैं उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, उस रेशियो में उनको सफलता नहीं मिलती है जिस रेशियो में वो मेहनत करते हैं। करियर को लेके बहुत ओरिएंटेड होते हैं, करियर अपना बिल्डअप करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि ये लेजी होते हैं, जैसे मैंने पहले कहीं भी कहा, ये लेजी होते हैं और जल्दी जल्दी अपना गोल बदलते हैं और बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं दूसरों की बातों से, तो इस वजह से इस चीज़ का असर इनके लाइफ में होता है। और इसका असर ये होता है कि ये उतनी अधिक सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जितनी अधिक सफलता को प्राप्त करने के हकदार होते हैं। लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य में जब एक बार ये फिट हो जाते हैं तो फिर ये अपने लक के काम करते हैं, क्योंकि इनमें लगन बहुत होती है, इनमें मेहनत बहुत होती है, अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और ख़ासतौर से इन जातकों में एक स्वभाव और होता है कि ये आप इनको पाएंगे कि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये इतने सेंसिटिव, इतने टचेस होते हैं कि इनको कोई भी किसी की भी बात जो है बहुत जल्दी दिल पे लग जाती है। तो इसलिए ऐसे जातक दूसरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करते हैं, बिल्कुल कोशिश नहीं करते कि किसी को हर्ट करें, किसी को ऐसा कुछ बोल दें जिससे कि उनके दिल को ठेस पहुंचे। तो ये अच्छी भी बात है, अगर आप देखें तो ये अच्छा भी माना जाएगा कि इस तरह के जातक जो होते हैं अपने व्यवहार को लेकर और अपनी चीज़ों को लेकर बहुत संयत होते हैं और अच्छा बिहेव करते हैं दूसरों के साथ। अच्छा, अप्रैल में जो बच्चे जन्म लेते हैं ये धनी होते हैं, इनको बाय लक, ये लकी बहुत होते हैं, भाग्यशाली बहुत होते हैं, तो इन्हें बाय बर्थ भी, इनके जैसे इनका जन्म होता है अप्रैल में, आप देखिए जितने भी होते हैं मेल फीमेल होंगे जो जन्म लेते हैं, उसके बाद घर में तरक्की जरूर होती है, घर में जो माता पिता होते हैं उनके लिए अच्छे लाभ खुल जाते हैं, तो उन माँ बाप के लिए बच्चे वो माँ बाप को यही लगता है कि हाँ, ये इस बच्चे के जन्म के बाद मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, वो लकी होते हैं ये बच्चे। और आगे चल के जिस घर में रहते हैं या जहाँ पर भी अपना जीवन बिताते हैं और अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं, उनका घर अच्छा होता है, उनका रहन सहन अच्छा होता है, उनका पहनावा ड्रेस सेंस बहुत अच्छा होता है, और ड्रेस सेंस के मामले में ये बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ये बहुत अच्छा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। और अप्रैल में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें एक कॉमन बात आप जनरली देखेंगे, इनको जो है बहुत ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पसंद आते हैं, ये थोड़े आधुनिक होते हैं, और लकीर पर चलना बिल्कुल इनको पसंद नहीं होता, ऑर्थोडॉक्सी बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ये अपनी ज़िंदगी के फैसले स्वयं लेना पसंद करते हैं। और अमूमन इन बच्चों में एक कॉमन बात ये भी होती है कि ये बच्चे जब जैसे जैसे बड़े होते हैं या जैसे समझदार होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो इनमें अपने परिवार को लेकर प्रोजेसिव होना, एक प्रोटेक्शन की फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि अपने परिवार को लेकर बहुत अधिक सुरक्षात्मक होते हैं, कोई उन्हें हर्ट ना करे, कोई उन्हें ऐसा कुछ ना बोले जिससे उनको दुख पहुंचे, तो ये अपने परिवार के आसपास अपने बच्चों को समेट के रखना पसंद करते हैं, ज़्यादा उनसे ये उनको पसंद नहीं होता कि ये ज़्यादा दूरी हो या कुछ ऐसा, अपने आसपास ही रखना पसंद करते हैं। तो इस तरह से अप्रैल में बच्चे जो जन्म लेते हैं उनका स्वभाव इस तरह का होता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बच्चे मई में जन्म लेते हैं वो कैसे होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।